वैशाली, हाजीपुर सदर अनुमंडल अंतर्गत वैशाली पुलिस ने छापेमारी करते हुए हिलालपुर के पास से डकैती की योजना बनाते चार अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से चार देसी कट्टा, चार कारतूस, एक बाइक और चार मोबाइल बरामद की गई है। वैशाली एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद हथियार के साथ अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान अपराधियों ने बताया कि सदर थाना के हरौली में एक बैंक लूट और बिदुपुर में एक व्यवसाय को लूटने का अपराधियों ने योजना बनाया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सभी अपराधियों को पकड़ लिया और अपराधियों के मंशा पर पानी फेर दिया गया। वैशाली एसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधियों का इतिहास खंगाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल की है, वही अपने कई साथियों का नाम भी बताया है, जिसे गोपनीय रखकर पुलिस अग्रसर कार्रवाई कर रही है। वही एसपी मनीष ने कहा कि अब किसी भी सूरत में अपराधी बक्से नहीं जाएंगे। एसपी मनीष के एक्शन से अपराधी में खलबली मची है। वही सभी थानाध्यक्ष को भी दे गई कड़ी चेतावनी। हाजीपुर से चंद्रकांत पाठक के साथ सोनू कुमार की रिपोर्ट। चंदन कुमार, सौरभ कुमार और बाहुबली, मनीष कुमार और अमरजीत कुमार, ये लोग रहने वाले हैं, कहीं रहीमापुर के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर औद्योगिक क्षेत्र के, फिलालपुर के। इन चार लोग गिरफ्तार किए गए। चार लोगों के पास में से चार देशी कट्टे बरामद किए गए, चार गोलियाँ जिनमें भी थी, लोडेड वेपन्स थे। उनके मोबाइल फोन्स को जब्त किया गया एवं जो एक बाइक थी उनके पास में, उसको जब्त किया गया। पूछताछ करने पर इन्होंने अपने मंसूबे बताया कि हरौली के पास में एक बैंक है जिसकी ये लोग रैकी किए थे। इसके अलावा एक जो व्यवसायी है, किराना व्यवसायी, उसको लूटने की भी इन्होंने कोशिश कर रखी थी। बिदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है किराना व्यवसायी, जहाँ इन लोगों की डकैती करने की प्लानिंग थी। समय रहते गुप्त सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उन चार लोग गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने अपने अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं जो उनके टच में रह सकते हैं, उन पर हमारी टीम काम कर रही है। इस संदर्भ में औद्योगिक थाना क्षेत्र कांड संख्या 105/21 भारतीय 402 एवं 25 BA 26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। इन सभी लोगों को, चार लोगों को जेल भेजा जा रहा है। ये बाहुबली जो था, क्या भूमिका? ये चार लोग थे, इसमें ये भी जिम्मेदारी निभा रहा था अपनी। चार लोगों में इसका भी काम था, इसने रैकी की थी एवं आपराधिक घटना को अंजाम देने की प्राप्त में था। आपराधिक इतिहास हम लोग छांट रहे हैं, काफ़ी संभव है कि निकटवर्ती इलाकों में एवं निकटवर्ती जिलों में भी हो सकता है, इसलिए हम लोग उसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टियों को अपनी विशेष दृष्टियाँ हैं, सादे कपड़ों में भी बैंक के आसपास लेकर चेकिंग कराते हैं। सीनियर रैंक ऑफिसर्स जाकर के पता करते हैं कितने का टर्नओवर है, वहाँ के सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, सीसीटीवी कैसे हैं। जिला सुरक्षा समिति की बैठक होती है बैंकर्स के साथ में, बैंक के सभी अधिकारीगण के साथ में। हम लोग सिविल प्रशासन, बाकी सब लोग मिल करके उनको अपने पॉइंट से अवगत कराते हैं एवं जो जो हम लोग अपेक्षाएँ हैं वो बात करते हैं। उनकी जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई संभावित विवाद होती है, उसको हम लोग देखते हैं एवं कोशिश मैक्सिमम ये रह रही है कि जो भी कैश का आदान प्रदान हो या मूवमेंट हो उसके बारे में पुलिस को सूचित सूचना दें। अपने अनुष्ठानों को एवं आसपास के इलाकों को मैक्सिमम सीसीटीवी से आच्छादित करें एवं जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन करें। इस चीज़ पर कार्रवाई चलती रहे।